नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। और फाइनली द लेटेस्ट कपकेक, द लेटेस्ट हॉट केक, दैट इज वो आ गई है अपने साथ। दिस इज द लेटेस्ट 2022 सुजुकी वी स्ट्रॉम 250 SX। ये जो सामने आपको पीछे दिख रही है यही वाली, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। इसको इसके बारे में आपको मैं सारे डिटेल्स दूंगा, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या नहीं है। एक राइड रिव्यू भी दूंगा मैं आपको बाइकर डैड लाइफस्टाइल में। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस देरी मत करो, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलो अब मैं बात कम करता हूँ और आपको ले चलता हूँ इसकी सैर में। चलिए, व्हाट अ सनी डे! और क्या मौसम है, धूप ऊपर मेरे सर के ऊपर। और यहाँ पर मेरे सामने है ये ब्यूटीफुल येलो मोटरसाइकिल जो है सुजुकी की लेटेस्ट पेशकश, द वी स्ट्रॉम 250 SX। क्या बढ़िया लग रही है, कितना भी मैं बताऊँ इसके बारे में, इसके जो लुक्स है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन देखने मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। तो बेसिकली ये मोटरसाइकिल है एक 249 cc फ्यूल इंजेक्टेड ऑयल कूल्ड BS6 मोटरसाइकिल जो देती है अराउंड 26.5 PS ऑफ पावर एट द रेट ऑफ 22.2 NM टॉर्क। जब चलाऊंगा मैं इसको तब आपको बताऊंगा कैसे चलेगी ये। तो सबसे पहले आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा विंडशील्ड देखने मिल रहा है जो आपको होपफुली जो है विंड ब्लास्ट से बचाएगा। साइड में अगर देखेंगे तो ये नकल गार्ड्स है जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, इट्स नॉट मेटल, इट्स प्लास्टिक, जो नॉर्मली हमें एडवेंचर बाइक्स या फिर जो ऑफ रोडर बाइक्स है उसमें देखने मिलता है। नीचे अगर हम आएंगे तो ये हमें LEDs देखने मिलेंगे और DRLs भी है आपको ऊपर यहाँ पर अगर देखोगे तो। और साइड में जो है टर्न इंडिकेटर्स वो है बल्ब्स। यहाँ पर एक बढ़िया सी बड़ी सी ऑफ रोडिंग बीक दी गई है जो हमें देखने मिल रही है, जिसके वजह से इस मोटरसाइकिल का एक बहुत ही पेक्यूलियर या फिर बेहतरीन लुक मिलता है हमें। और इसके नीचे आपको सस्पेंशन देखने मिलेगा जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसमें आपको 150 mm का सस्पेंशन ट्रैवल देखने मिलेगा। नीचे अगर आओगे तो आपको डुअल चैनल ABS देखने मिलेगा, बाइब्रे के ब्रेक्स मिलते हैं यहाँ पर जैसे आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर। आगे का 19 inch के आपको एलॉयज देखने मिलेंगे और एलॉयज व्हील जो है वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। आगे आपको 100x90 सेक्शन का टायर देखने मिलेगा और पीछे जो है ये 17 inch का एलॉयज है और आपको 140x70 का टायर सेक्शन देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर एक डैश प्लेट भी है या फिर बैश प्लेट भी देखने मिल रही है यहाँ पर, और अराउंड 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विच इज़ डिसेंट एंड प्रिटी नाइस। जो इंजन भी है वो ऑलमोस्ट थोड़ा ग्लिटरी है और डार्क है तो अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको सुजुकी SX250 की स्टिकरिंग देखने मिलेगी, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम है यहाँ पर। पीछे आपको 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने मिलेगा जैसे वहाँ पर दिख रहा है वैसे। टेल लाइट भी आपको LED देखने मिलेगी और जो इंडिकेटर्स है वो है बल्ब्स अगेन। सीट्स भी अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, एक 1-step सीट देखने मिल रहा है हमें यहाँ पर पिलियन के लिए। यहाँ पर भी SX का बैजिंग देखने मिल रहा है हमें, लेकिन सीट्स आई वुड से आर प्रिटी कंफर्टेबल, काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो पिलियन भी है ये स्लोपिंग सीट्स नहीं है पिलियन के, ये स्ट्रेट है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए पिलियन को, और काफ़ी चौड़े भी है। ग्रैब रेल्स भी बढ़िया है, ग्रैब रेल्स कम टॉप बॉक्स का स्टैंड देखने मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अच्छे से अपना टॉप बॉक्स लगा सकते हो, फिट कर सकते हो यहाँ पर। 12 liter का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा यहाँ पर एंड अराउंड 30-40 km/L की टैंक कैपेसिटी मिलेगी। मेरे ख्याल से एटलीस्ट अराउंड 15 liters की टैंक कैपेसिटी रहनी चाहिए थी, दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डाउनफॉल, बट नॉनदलेस 12 liter भी कम नहीं है। यहाँ पर साइड में आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट देखने मिलेगा, तो जस्ट इन केस अगर आप यहाँ पर एक फ़ोन माउंट लगा देते हो तो फट से आप ऑन द गो भी आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हो, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 167 kg का कर्व वेट है ये मोटरसाइकिल का, ज़्यादा वेट नहीं है मोटरसाइकिल का विच इज़ गुड एंड विच इज़ नाइस, 167 इज़ अ गुड नंबर। चलो ऑन करके देखते हैं अभी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पर ऑन हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और गो सेज पेयरिंग मोड है, आप आपके ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, आपके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर बेसिकली स्पीडोमीटर देखने मिल रहा है, आपको यहाँ पर फ्यूल गेज है ऊपर, यहाँ पर RPM मीटर है, गियर इंडिकेटर है, किलोमीटर्स है कितनी चली है वो, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो किलोमीटर्स, फ्यूल इकोनॉमी, किलोमीटर्स, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पास का इंडिकेटर देखने मिल रहा है, यहाँ पर ये अपर डिपर है, यहाँ पर आपका जो है इंडिकेटर्स है टर्न इंडिकेटर्स, ये जो है यहाँ पर हॉर्न देखने मिलेगा, तो हॉर्न इज़ प्रिटी नाइस। एंड यहाँ पर आपको जो इग्निशन ऑन एंड ऑफ का बटन देखने मिलेगा, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द इग्निशन,
तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो है, इलेक्ट्रिकल्स जो है वो काफ़ी डिसेंट है, स्टडी लग रहे हैं मुझे। तो काफ़ी ग्रंटी सा एग्जॉस्ट नोट है और आपको एग्जॉस्ट भी डुअल एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पर देखने मिल रही है, डुअल एग्जॉस्ट देखने मिल रहा है सेटअप, और काफ़ी स्टबी एग्जॉस्ट है, अच्छा लग रहा है। तो ये मोटरसाइकिल का कॉस्ट है 2,54,000 ऑन रोड यहाँ पर नवी मुंबई में। तो चलो अब चलाते हैं इसको और देते हैं आपको एक राइड रिव्यू। चलिए मूविंग ऑन टू द राइड रिव्यू, चलो चलाते हैं इसको। और ये है हमारी चाविया, छोटी सी है, मिनी सी है, कोई बात नहीं, चलो। और सबसे पहले चढ़ते वक्त ही मुझे मालूम पड़ रहा है काफ़ी ऊंची मोटरसाइकिल है ये। तो अराउंड 835 mm का सीट हाइट है, तो मेरी हाइट है 5'10", जैसे आप देख रहे हो मेरे पैर भी थोड़े ऊपर है, तो अगर आप छोटे कद के हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन नंदलेस मैं काफ़ी सारे छोटे कद के राइडर्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छा चलाते हैं मोटरसाइकिल। इग्निशन ऑन और चलते हैं हम आगे। तो जैसे अभी मैं खड़ा रह के चला रहा हूँ तो हैंडल बार काफ़ी नीचे है, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो आपको दिक्कत हो सकती है सैडलिंग करने में, जो कि ये खड़े रह के मोटरसाइकिल चलाने में। अगर आपकी हाइट छोटी होगी तो आपको कोई नहीं दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा सॉफ्ट रोडिंग करके देखते हैं इस वाली मोटरसाइकिल के साथ, जैसे ये ख़राब पैच है। और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको खड़े रह के चलाने में, क्योंकि मुझे काफ़ी झुकना पड़ रहा है, बट सस्पेंशन इज़ डिसेंट, 150 mm का ट्रैवल मिलता है आपको आगे, बट आई थिंक ये मोर ऑर लेस हाईवे टूरिंग के लिए आप ज़्यादा यूज़ करोगे। सॉफ्ट रोडिंग थोड़ा बहुत कर पाओगे आप इसके साथ, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे। टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो था एक छोटा सा सॉफ्ट रोडिंग वाला रिव्यू, और अब हम इसको चलाएंगे रोड पे। 6-speed मोटरसाइकिल है और इंजन काफ़ी स्ट्रांग है इसका, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। इनफैक्ट डुअल चैनल ABS टेस्ट करते हुए इट्स गुड, ब्रेकिंग भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, डुअल चैनल ABS वर्किंग प्रिटी वेल। और गियरिंग रेशियो काफ़ी टॉल है इसके, ज़्यादा शॉर्ट गियरिंग रेशियो नहीं है, और काफ़ी पेपी इंजन है। विंडस्क्रीन एडजस्टेबल नहीं मिलती है आपको, बट नंदलेस काफ़ी प्रोटेक्ट कर रही है मुझे विंड ब्लास्ट से, विच इज़ अ गुड थिंग। और सीटिंग पोस्चर भी जो है इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी इट इज़ एन एडवेंचर बाइक, तो सीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबली राजा जैसे बैठा हूँ मैं। इन शॉर्ट इस वाले मोटरसाइकिल में आप इसको घंटों चला सकते हो लॉन्ग रूट्स पे, जैसे आप अगर पहाड़ों पे भी चले गए तो आराम से चलेगी ये, और बेझिझक होके आपको ले जाएगी आपके डेस्टिनेशन पे। ब्रेकिंग भी अच्छी खासी है, डुअल चैनल ABS एक टच करते हैं वापस, ब्रेकिंग इज़ गुड, डुअल चैनल ABS वर्किंग वेरी वेल। जो क्लच और ब्रेक है वो अनफॉर्चुनेटली एडजस्टेबल नहीं है, और हैंडलिंग भी बेहतरीन है इसकी, काफ़ी मज़ेदार हैंडलिंग है, काफ़ी हद तक मुझे KTM एडवेंचर की याद दिला रही है। काफ़ी ऊंचा बैठा हूँ मैं जैसे आप देख रहे हो, बाकी गाड़ियों से काफ़ी ऊंचा बैठा हूँ, तो दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द राइडर। लेट्स डू अ टॉप स्पीड टेस्ट, फर्स्ट जाता है 50, सेकंड जाता है अराउंड 75, थर्ड जाता है 94, फिफ्थ जाता है अराउंड 18, जा रहा है 125,
आराम से 130 कर लिया था और अनफॉर्चुनेटली रोड ख़त्म हो गया और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा इस वाले रास्ते में, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। रेयर व्यू मिरर्स भी डिसेंट है, ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, डिसेंट है। पीछे का दिख रहा है मुझे ठीक ठाक। तो अभी प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हुए, सबसे पहले अगर प्रो बताऊँ तो इसके लुक्स आर फैंटास्टिक, नो टू वेज अबाउट इट। सेकेंडली इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। थर्डली काफ़ी हाइट अच्छी है इसकी, तो अगर आपको सॉफ्ट रोडिंग करना है तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर कर सकते हो क्योंकि हाइट अच्छी दी गई है इस वाले मोटरसाइकिल को। और अगर कॉन्स का मैं बताऊँ तो सबसे पहले अगर मैं कौन बताऊँ तो हाइट ही है इसका प्रॉब्लम, क्योंकि शॉर्टर राइडर्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है ये वाली मोटरसाइकिल चलाने में। सेकेंडली इसमें जो ABS है वो स्विचेबल नहीं है, तो दैट इज़ अगेन अ हिंड्रेंस, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट रोडिंग करते हो तो स्विच कर सकते हो, ABS को बंद कर सकते हो, उसमें ये वाला चीज़ नहीं है। तो जैसे अब मैं चल रहा हूँ और 60 के स्पीड पे भी आराम से 6 गियर पे क्रूज कर रहा हूँ इसको लेके, और 130 भी टच कर लिया मैंने इसको लेके। बहुत ही लोग खरीदेंगे ये वाली मोटरसाइकिल, नॉट ओनली फॉर इट्स लुक्स बट ऑल्सो फॉर द वे इट राइड्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज। सो दैट्स इट गाइज, यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ। शेयर कीजिए ये वाला वीडियो आपके सारे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी जानकारी मिले इस वाली मोटरसाइकिल की। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर छोड़ रहा हूँ मैं, मेरे सारे पहले अपडेट्स वहाँ पर जाते हैं, मैं काफ़ी मस्ती करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे। ध्यान रखिए आपके और आपके फैमिलीज का। टेक केयर, अडियोस अमिगोस, बाय बाय।